ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार, मैं हूं फिरोज हाशमी। मुंबई में हर साल बारिश आफत लेकर आती है। बारिश की वजह से मुंबई थम सी जाती है, यही नहीं बल्कि रेल और सड़क यातायात ठप पड़ जाता है। हर साल बारिश में दर्जनों लोगों की मौत होती है। मुंबई में भू माफिया राजनीतिक संरक्षण प्राप्त कर झीलों, समुद्रों, तटों और तालाबों को पाट कर गगन चुंबी इमारत खड़ी कर देते हैं। यह सब कानून को ताक पर रख कर किया जाता है। बाद में मुंबई जैसे महानगर में घर का सपना देखने वालों को बेच दिया जाता है, जबकि ऐसी अवैध इमारतों में सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं दिया जाता है। मुंबई में इंसान की जान बेहद सस्ती जबकि ज़मीन की कीमत काफ़ी महंगी होती है। मुंबई के डोंगरी इलाके में 100 साल पुरानी इमारत गिरने से जहां 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि ऐसी अवैध इमारतों में सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं दिया जाता है। मुंबई में इंसान की जान बेहद सस्ती जबकि ज़मीन की कीमत काफ़ी महंगी होती है। मुंबई के डोंगरी इलाके में 100 साल पुरानी इमारत गिरने से जहां 12 लोगों की मौत हो गई, वहीं 30 से अधिक लोग मलबे में दब गए और जो बुरी तरह से घायल हो गए थे। राहत बचाव कार्य पूरा होने तक मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती थी। मुंबई में इस तरह का हादसा कोई पहली बार नहीं हुआ है। बारिश के दौरान भारी बारिश की वजह से कई इमारतें भरभरा कर गिर जाती हैं और हमारी सरकार और व्यवस्था लाचार दिखती है। जवाबदेह लोग हादसों से मुंह छिपाते हैं, राजनेता आंसू बहाते हैं, वोट बैंक के लिए मुआवजे की घोषणा की जाती है। सरकार राजनीति छिछा लेदर से बचने के लिए जांच बैठा देती है, तब एक दूसरा हादसा हो जाता है। हम मुंबई को संघई बनाने का सपना देखते हैं, न्यू इंडिया की बात करते हैं, लेकिन सिस्टम इस तरह की हादसों को कितना गंभीरता से लेता है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। कभी इमारत गिरती है तो कभी रेल ओवरब्रिज ढह जाता है, कभी मासूम बच्चा नाले या फिर बोरवेल में समा जाता है। फैक्ट्रियों में आए दिन आग लगने की घटनाएं होती रहती हैं। सड़क हादसों में अपने देश में 1.5 लाख लोग हर साल मारे जाते हैं। आखिर इसका गुनहगार कौन है? इसे हम प्राकृतिक आपदा नहीं कह सकते हैं, ये सब मानव जनित और व्यवस्था से जुड़ा सवाल है जिनके लिए हमारी व्यवस्था गुनहगार है। लेकिन दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जिम्मेदार लोग लचीले कानूनों का लाभ उठाते हैं, बच निकलते हैं, जिसका नतीजा है कि सिर्फ मुंबई में ही नहीं पूरे देश में मानव निर्मित आपदाएं बढ़ रही हैं। लेकिन सुधार के लिए हमने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। देश में बढ़ते हादसों को देखते हुए सरकार को सशक्त जीवन सुरक्षा गारंटी बिल, इस तरह के हादसे प्राकृतिक नहीं मानवीय है। 14 जुलाई को हिमाचल प्रदेश के सोलन में एक होटल गिरने से 13 फौजियों की मौत हो गई थी। सोचिए, क्या इस मौत की भरपाई हो पाएगी? हमारे सैनिक युद्ध में नहीं, नकारा सिस्टम के शिकार हुए। मुंबई के डोंगरी में जो हादसा हुआ उसमें 12 लोगों की मौत हुई है, जबकि यह बिल्डिंग 100 साल पुरानी थी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद स्वीकार किया है कि म्हाड़ा ने इसके पुनर्निर्माण का नोटिस जारी किया था, लेकिन लोगों ने बिल्डिंग नहीं खाली की और मौत को गले लगा लिया। अहम सवाल है कि अवैध रूप से बनाई गई 4 मंजिला इमारत कई बेगुनाहों को भी अपने साथ ले गई, लेकिन जब इमारत नगर निगम के परमिशन के बगैर बनाई जा रही थी, निगम के अफसर क्या कर रहे थे? इससे भी दुखद बात यह है कि इस हादसे के बाद वहाँ पहुँचने के लिए रास्ता भी नहीं था। राहत बचाव के लिए पहुँची NDRF की टीम को पैदल जाना पड़ा। हमारे देश में सरकारों और व्यवस्था की नज़रों में मानव जीवन की कोई कीमत नहीं है। यहाँ मौत पर भी राजनीति होती है, इंसान मौत पर भी राजनीति अपने नज़रिए से विश्लेषण करती है। हमने कभी हादसों से सबक नहीं सीखा। रोजगार के लिए महानगरों में बढ़ती भीड़, रिहायशी इमारतों की कभी जैसे सवाल पर सरकारों ने कभी सोचने की जहमत नहीं उठाई है। हम बातें अधिक करते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। मौत पर संवेदनाएं जताकर और मुआवजों की घोषणाएं करते हैं। अगर वक्त रहते इन सब समस्याओं पर ध्यान दिया जाए तो सब कुछ ठीक हो सकता है। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।